गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 इन साइंस. ओके, लास्ट टाइम वी लर्नड अबाउट प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स. ओके, द रिमेनिंग पोर्शन इज दिस. सी सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. जो माउंटेन्स पे पेड़ उगते हैं उनके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं. टी प्लांट्स ग्रो इन हिली रीजन्स. जो चाय पत्ती आपके यहाँ आती है वो पिसकर आती है, असल में उसके लीव्स होती हैं छोटी छोटी, जैसे आपकी नीम की पत्तियाँ होती हैं ना, सब थोड़ी सी छोटी. तो टी प्लांट्स जो हैं हिली रीजन्स में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं. स्टेप फॉर्मिंग इज डन इन हिली रीजन. यहाँ स्टेप फॉर्मिंग की जाती है. व्हाट इज स्टेप फॉर्मिंग? आपने अपने घर की सीढ़ियाँ देखी हैं. यूँ मान लीजिए ऐसे पहाड़ हैं जो डिज़ाइन से कट कर कैसी सीढ़ियों की डिज़ाइन दी गई है, उसे हम बोलते हैं स्टेप. ओके, स्टेप फॉर्मिंग. तो स्टेप फॉर्मिंग में क्या होता है, एक स्टेप के ऊपर पेड़, फिर दूसरे स्टेप के ऊपर पेड़, फिर तीसरे स्टेप के ऊपर पेड़. ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हिली रीजन्स में उगते हैं और ऊपर तक समर तो आप लगवाएंगे नहीं पहाड़ों पर. तो क्या किया जाता है कि एक नीचे से समर की पाइपलाइन ऊपर तक कनेक्ट कर दी जाती है. जैसे आपके ऊपर टंकी से घर के अलग अलग पार्ट में पानी आता है ना टैप्स में, ऐसे तो वही ऊपर स्टेप्स बाई स्टेप्स एक एक स्टेप के ऊपर पानी डालते जाता है. ऐसे अगर हमने ऊपर कनेक्ट कर दिया तो वहाँ पर अगर हम पानी छोड़ेंगे तो बहुत सारी मिट्टी नीचे बह जाएगी और लोग गिर जाएंगे जो उस पर चढ़ेंगे, वो गीली रहेगी मिट्टी. इसीलिए क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा, जैसे आप देखते हैं ना फाउंटेन होता है फव्वारा या स्प्रे होता है, आप जब बॉडी परफ्यूम यूज़ करते हैं तो हल्का सा स्प्रे करते हैं तो उसमें कितना पानी निकलता है, मतलब उस स्प्रे में प्रेशर से कितना निकलता है, थोड़ा सा ना. ऐसे बस थोड़ा सा और बढ़ा दो और उन सभी प्लांट्स के लिए अलग अलग छेद कर दिए जाते हैं उसमें, उसे एक साथ खोला जाता है जिससे सारे प्लांट्स की जड़ों तक पानी पहुंच जाता है. तो इस तरह के पेड़ जो टी प्लांट्स हैं ये ज़्यादातर हिली रीजन्स में इसीलिए उगाए जाते हैं क्योंकि वहीं पर उगते हैं और वहाँ पर उनको पानी इसी तरीके से दिया जाता है. कितना इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट, ऊपर पानी दे दो सब लुढ़क लुढ़क के नीचे आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है इसी वजह से, वरना वो सारी मिट्टी नीचे बह जाएगी और आप भी नहीं चढ़ पाएंगे और जो तोड़ कर लाते हैं वो उनके फ्रैक्चर भी हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती हैं. सो सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इट्स अ बेटर आइडिया. दीज प्लांट्स नीड हैवी रेनफॉल. इन तरह के प्लांट्स को हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है. बट बात तो ये है कि जिन हिली रीजन्स में होते हैं वहाँ बारिश भी खूब होती है, तो इसी वजह से जैसे दार्जिलिंग, ठीक है, उत्तराखंड से आगे जब आप जाएंगे तो ऐसे ही कैसे एरियाज आएंगे आप जानते हैं, वादियों वाले इलाके, मीन्स सिटी ऑफ वैलीज, जहाँ पर आप घाटी देखेंगे बहुत सारी जो ऐसे ऊपर नीचे बनी हुई है, पहाड़ों से नीचे शहर बसे हुए हैं, पहाड़ों पे बसे हुए हैं, डिज़ाइन से कट करते हुए काफ़ी सुंदर हरा भरा रहने वाला. और वहाँ पे क्या होता है कि दिन में कम ठंड रहती है लेकिन रात में बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ पर रात में बर्फ़ पड़ना चालू हो जाती है. असम आर फेमस फॉर देयर टी गार्डन्स. ओके, इसमें असम दे रखा है. असल में इसका प्रोनाउंशिएशन अब चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने, या सिटी जो है वो सॉरी स्टेट है उसको चेंज कर दिया, उसे क्या बोलते हैं अब, असम. ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं. तटीय इलाके मतलब समुंदर के किनारे या नदियों के किनारे वाले इलाकों को कहा जाता है कोस्टल एरियाज. इसमें कोस्ट तक अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है नदी का किनारा या किसी समुंदर का किनारा, तट. ओके, और कोस्टल यानी तटीय एरियाज मतलब इलाके, वहाँ पर उगने वाले प्लांट्स की हम बात करेंगे. प्लांट्स एरियाज आर नियर द सी, सॉरी कोस्टल एरियाज आर नियर द सी. आप देख सकते हैं कि समुंदर के आसपास या रिवर के आसपास कुछ कोस्टल एरियाज होते हैं. द वाटर इज साल्टी, वहाँ का पानी क्या होता है नमकीन होता है. एंड द क्लाइमेट इज ह्यूमिड, और जो वहाँ का जलवायु यानी जो हवा पानी है टेम्परेचर है वो ह्यूमिड है. ह्यूमिड मीन्स उमस से भरा हुआ, गर्म गर्म. इन दीज प्लेसेस, इन जगहों पर ऐसा है. तो द ट्री ग्रो इन, जो भी पेड़ जो ट्रीज हैं ग्रो करते हैं कोस्टल एरियाज में, आर ऑफ कोकोनट. वो क्या होते हैं, जैसे नारियल, पेपर. पेपर आपने देखी होगी, काली मिर्च होती है एक टाइप की, रबर, इसके अलावा रबड़ के पेड़. दिस इज बिकॉज द क्लाइमेट एंड वाटर हियर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पानी और क्लाइमेट है, सूट देम, इसे सूट करते हैं. ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पे नमकीन पानी और ह्यूमिड रीजन रहे. नेक्स्ट, इन्हें भी हम एवरग्रीन ट्रीज कह सकते हैं. दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज क्योंकि ये भी हमेशा हरे भरे रहते हैं. दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वंस, इनकी सारी पत्तियाँ ये एक बार में शेड नहीं करते, मतलब झड़ा नहीं देते हैं, तोड़ नहीं लेते हैं. अ फ्यू लीव्स आर लॉस्ट वंस एवरी ईयर, मीन्स बहुत ही कम, ना के बराबर लीव्स हर साल इसमें से टूटती हैं. आर लॉस्ट वंस वेरी ईयर. सो लेट्स कम टू प्लांट्स इन डेजर्ट.
तो डेजर्ट रेगिस्तान में प्लांट्स कैसे होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर सेकंड के पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि डेजर्ट में एडेप्टेशन के लिए कैक्टस का मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था आपको, तो वो एडेप्ट कैसे करती है वही बात अब मैं आपको समझाऊंगा कुछ अदर एग्जांपल्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। वाटर एंड रेनफॉल आर स्कार्स इन द डेजर्ट, मीन्स रेगिस्तानों में पानी और जो रेनफॉल है यानी बारिश है, स्कार्स बहुत कम पड़ती है। सो प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट रीजन, तो जो डेजर्ट रीजन्स, रीजन्स मीन्स एरिया, क्षेत्रों में, तो रेगिस्तानी इलाकों में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं हैव स्टेम्स, उनकी तनियाँ ऐसी होती हैं दैट कैन स्टोर वाटर, उनमें पानी को स्टोर करके रखा जा सकता है। लाइक कैक्टस, ठीक कैक्टस की तरह सी, वी हैव सम एग्जाम्पल्स गिवन बिलो दिस टॉपिक। कैक्टस, बबूल, प्रिकली पियर, डेट पाम। देखिए डेट पाम हर जगह नहीं होता है, जो खजूर के पेड़ होते हैं हर जगह नहीं होते हैं, ये सऊदी अरबिया ऐसी कंट्रीज हैं, ईरान है, ठीक है, इराक है, वहाँ पर जो डेजर्ट एरियाज है वहाँ पे डेट पाम यानी खजूर बहुत होते हैं, वहाँ के लोग इसे खूब खाते हैं, ये हार्ट के लिए अच्छा होता है आपके। ओके okay? प्रिकली पियर क्या है, एक टाइप का नाशपाती जो आता है, तो इसमें हमने देखा है इस टाइप के नाशपाती यानी एप्पल टाइप का ही होता है, इसका कलर वैसे हमारे इंडिया में ग्रीन कलर का आता है, एप्पल टाइप का होता है, बस कम उससे थोड़ा सा लेस स्वीट होता है। प्रिकली पियर क्यों कहा है, ऐसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां जो हैं ऑलरेडी मॉडिफाई होकर किसमें बदल गई हैं, स्पाइंस में। स्पाइंस क्या होते हैं, कांटेदार पत्तियां, जैसे आप कैक्टस में देख रहे हो, ये इसकी पत्तियां ही हैं जो असल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पार्ट वन में इसी चैप्टर के, कि कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं वो मॉडिफाई यानी चेंज कर लेती हैं खुद को अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन। ओके नेक्स्ट, बबूल, बबूल तो आप यहाँ भी देख सकते हैं आपके इलाकों में, इतना सारा पानी है जहाँ कहीं ये उगता है वहाँ पे इतना ज़्यादा उग जाता है कि पूछो मत। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं सभी प्लांट्स की, इनमें से ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं इनकी जड़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, यानी जहाँ पर पानी होगा वहाँ तक पहुँचाने के लिए पेड़ थोड़े से पानी पर जीवित रहता है और अपनी जड़ों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे वाटर की क्या ना हो शॉर्टेज। तो इसीलिए हम इस स्कार्स वाले चीज को बोल रहे हैं कि उस एरिया में वैसे तो पानी नहीं पड़ता पर जमीन में तो पानी होता है ना, तो जहाँ भी होगा वहां तक वो अपने रूट्स को फैला देती हैं, और ये जो रूट्स होते हैं ये इनकी लीव्स ये स्पाइंस में बदल रही हैं, इनको क्या करता है असल में हाइड्रेटेड रखता है, हाइड्रेटेड मीन्स पानी की कमी नहीं होने देना। नेक्स्ट, सम प्लांट्स इन द डेजर्ट हैव लॉन्ग रूट्स, मैंने पहले ही बता दिया था कुछ प्लांट्स जो डेजर्ट में होते हैं इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, सो दैट जिससे कि दे आर एबल टू गो डीप, जिससे वो गहराई में जा सकें इन टू द सॉइल, क्या जा सकें रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, जिससे वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए सॉइल के अंदर डीप जा सकें काफ़ी गहरा। दे हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, उनके पास एक क्या होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उनकी सुरक्षा के लिए, आप देख सकते हैं इसे अगर आप डायरेक्ट टच करेंगे तो आपका हाथ अच्छे से फट जाएगा, ऐसी बबूल है, ऐसी कैक्टस है, हल्का सा भी चुभता है तो कितना दर्द रहता है इसको निकालने के बाद भी। नेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स, किस रूप में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न, थॉर्न यानी कांटों के रूप में, आप देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स नीचे कुछ प्लांट की क्लियरली दे रखे हैं, इनके लीव्स में कांटे लगे हुए हैं। दिस दैट सेव्स द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, जो प्लांट्स को एनिमल से बचा लेता है जो इन्हें खा लें। कैक्टस, बबूल, प्रिकली पियर एंड डर्ट पाम्स कॉमनली ग्रो हियर, इन इलाकों में नॉर्मली यहाँ पे साधारण रूप से पाए जाते हैं क्योंकि यही ऐसे पेड़ हैं जो यहाँ उग सकते हैं, अडेप्ट कर पाए हैं खुद को। प्लांट्स इन मार्शी एरियाज, दलदली इलाके में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदरबंस नियर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है उसमें पास सुंदरबन के जंगल दे रखे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुंदरबन के बीच में ये जो रिवर्स ही आपको दिख रही है एक टाइप की, असल में एक मार्शी एरिया है, दलदली इलाका, इसमें अगर आपने पाँव रखा तो आप धंसते चले जाएंगे, ऐसा मूवीज़ में आपने देखा है ना कई बार होता है, तो वो मार्शी एरियाज होते हैं दलदलीय इलाके। तो उनमें जो प्लांट्स उगते हैं वो कौन से हैं, एक्चुअली यहाँ पर लोटस जैसे, वाटर हयासिंथ, ठीक है, जलकुंभी, वाटर लिली, ऐसे प्लांट्स यहाँ पे खूब उगते हैं। तो ये मार्श इज ए टाइप ऑफ वेटलैंड, जो दलदल होता है ये एक टाइप की गीली जमीन होती है, दैट इज ऑफन सबमर्स्ड, जो अक्सर करके सबमर्स्ड रहती है वाटर में यानी पानी में डूबी रहती है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस एरिया, इन इलाकों में उगने वाले प्लांट्स आर जनरली हैव सॉफ्ट स्टेम्स, तो इनके पास बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है, बहुत ही पतली, अगर आप कभी लोटस को उठा के लाए तो उसके स्टेम को पकड़ने की कोशिश करना, या लिली को देखना, वाटर लिली को, ठीक है, लैंड वाली नहीं, वाटर लिली।
तो आप देखेंगे एंड आर पर्टिकुलरली अडेप्टेड टू दिस वेट कंडीशंस, उनकी पत्तियां बहुत पतली होती हैं। एक तो रीज़न ये है कि अगर आप खुद सोचो, अगर आपकी उंगलियां यानी हाथों को ठंडे पानी में थोड़ी देर तक अगर हम छोड़ देते हैं तो उंगलियां कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। नहाते टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा हाथों की उंगलियों पर क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं यहाँ पर या अंगूठों पर। तो वो क्यों होता है, पानी हमारे शरीर को क्या करता है, थोड़ा सा ठंडेपन की वजह से सिकुड़ देता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर देता है, तो बॉडी सिकुड़ जाती है। तो इसीलिए इन वाटर लिलीज वगैरह जो भी हैं, वो लोटस हैं, इनकी स्टेम्स पतली रहती हैं पानी में गले रहने की वजह से। तो एडाप्टेशन है, अगर वो ऐसा नहीं होंगी तो पानी में उनका जो नीचे का हिस्सा है वो सड़ जाएगा, फिर वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगी, अडेप्ट नहीं कर पाएंगी तो जीवित नहीं रह पाएंगी, जीवित नहीं रह पाएंगी तो आप भगवान के चरणों में कहाँ से लोटस चढ़ाओगे, है ना। विष्णु भगवान को हमारे हिंदू जो गॉड हैं यही वाला चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है, ऐसे कई और गॉड्स हैं जिन्हें लोटस को क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है। तो अब ये नहीं रचेंगे तो क्या करेंगे। सो लेट्स लीव द डेथ टॉपिक, कम टू अवर ओन टॉपिक। जनरली मार्शस रिसीव देयर वाटर फ्रॉम द सरफेस, ज़्यादातर जो दलदल के इलाके होते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है, बारिश से नहीं, साधारण रूप से उनको जो वाटर रिसीव होता है वो सरफेस से होता है, सतह से जिस पर वो हैं। बट सर्टेन मार्शस, कुछ निश्चित प्रकार के ही मार्शस यानी दलदल ऐसे हैं जो रिसीव करते हैं मॉइस्चर को ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल से। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो पानी ज़मीन के अंदर होता है, जैसे आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर क्या है, आप सबमर्सिबल लगवाते हो घर में या हैंडपम्प लगवाते हो, पानी कहाँ से आ रहा है, अंडरग्राउंड। तो ये ग्राउंड वाटर है तभी तो आ पा रहा है कि वहाँ पे कोई एलियन टेक्नोलॉजी अपने प्लैनेट से भेज रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर। तो जी से वो क्या करती हैं, अपनी जड़ों से पानी ले लेती हैं उन सरफेस से। द ट्रीज दैट ग्रो हियर हैव एरियल, जो पेड़ या पौधे या उगते हैं उनकी एरियल रूट्स होती हैं, क्या होती हैं, एरियल रूट्स, जड़ें जो होती हैं हवादार होती हैं, जो हवा को क्या कर सकती हैं अपने अंदर खींच सकती हैं। दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर होती हैं। अब सोचो इनकी पानी के अंदर होती तो इन्हें सांस कहाँ से मिलती, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि कुछ पत्तियों की जगह इन्होंने अपनी रूट को ही मॉडिफाई इस तरह से कर दिया है कि तैरते रहते हैं उस दलदल में पानी के ऊपर, और इसकी पत्तियां बड़ी होती रहती हैं क्योंकि वो क्या है कि एक बड़े फ्लावर को जन्म दे रही हैं। लोटस है वो बड़ा होता जाता है, अगर आप देखें कभी तो उसका पिक्चरों में दिखाते हैं, मूवीज़ में, सीरीज़ में, तो वो एक अलग बात है। तो इनकी रूट्स एरियल हैं जो ज़मीन पर रहती हैं ऊपर खुली खुली, बाकी सभी ज़्यादातर ट्रीज एंड प्लांट्स की जड़ कहाँ रहती हैं, रूट्स अंडर द सॉइल। तो ये ग्रो कहाँ करती हैं, अबव द ग्राउंड, क्योंकि ऊपर हैं। दे टेक एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर से एयर लेती हैं। एज द एयर डज नॉट रीच द रूट्स, जैसा कि रूट्स तक इसकी एयर नहीं पहुँच पाती है, द सुंदरबंस नियर बे ऑफ बंगाल, बंगाल के पास, बंगाल की खाड़ी के पास जो सुंदरबन के जंगल हैं, आप वहाँ देखिए, ये एक वेट मार्शी प्लेस है, गीला गीला दलदली इलाका है इन इंडिया, भारत में सुंदरबंस के जंगल बहुत मशहूर हैं। मैनग्रोव्स ग्रो हियर इन प्लेंटी, मैनग्रोव्स क्या होते हैं, एक्चुअली कुछ स्पेशल टाइप की जो ट्रीज होती हैं मैनग्रोव्स, ओके, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, प्लेंटी मीन्स अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, इननुमरेबल मात्रा में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इन्हें उगते हुए देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, aquatic plants, I have already told you about it in part 1 of this video, okay? So let's read firstly. Let's read this firstly. Plants that grow in water are called aquatic plants. जो plants water में grow करते हैं वो aquatic plants होते हैं, यानी जलीय पौधे जो पानी में उगते हैं वो जलीय पौधे होते हैं। और जो animals aquatic होते हैं वो आप जानते हैं, fish, dolphin, whale, okay? Sharks एंड मैनी अदर एनिमल्स विच लिव अंडर द वाटर, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसी प्लांट्स भी कुछ होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। सम प्लांट्स में ग्रो इन रिवर्स, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो नदियों में भी उगते हैं, लेक्स झील में भी उगते हैं, और पॉन्ड्स तालाबों में भी उगते हैं। पता है आपके गाँव के पोखरों को क्या कहा जाता है, उन्हें भी पॉन्ड्स कहते हैं। तो ये क्या है, इनके अंदर ज़्यादातर वाटर क्या है, फ्लो होता रहता है तो पानी सड़ता नहीं है, इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स यहाँ उगाते हैं। कुछ सड़ने वाले जो होते हैं पोखर, जैसे आपने देखा होगा अपने गांव के आसपास कोई जगह पानी भर जाता है, तो वहाँ की सरफेस पे प्लांट्स आते हैं, वो कौन से वाले होते हैं आप जानते हैं, वो असल में प्लांट्स नहीं है, वो असल में एल्गी, ठीक है, फंजाई, एक टाइप की फफूंद और कई टाइप की एल्गी। एल्गी क्या होता है, वो पानी के ऊपर तैरने वाले पौधे होते हैं एक टाइप के, उनके अंदर आते हैं कैटेगरी में वैसे, लेकिन होते नहीं है एक्चुअली, वो एक टाइप की काई मॉस होती है,
ठीक है। मॉस क्या होता है, जो आपके घर में आपने देखा होगा कहीं पानी भर जाता है या कहीं बाथरूम में वहाँ ग्रीन ग्रीन कलर की कहीं ना कहीं जम जाती है, आपने देखी होगी पानी की रुखी रहने की वजह से जमती है। तो उसके अंदर जो छोटे छोटे बहुत ही जिसे आप देख भी नहीं सकते, पानी पीते टाइम भी वो आपकी बॉडी में जाता है अगर आप उसे फिल्टर ना करो, गर्म करके ना पियो, तो ये जो एल्गी है, मॉस है, ये चिपकते जाते हैं और वहाँ पर अपना कब्जा कर लेते हैं उन एरियाज़ में, तो वहाँ पर मॉस आ जाती है। आप उसे कितना भी कुछ लेना वहाँ पर दोबारा आ जाती है। तो रीज़न क्या है, क्योंकि वो एक्सपैंड होती है, स्प्रीड होती है, उसे जितनी जगह मिलेगी उस पर चिपक चिपक के फैलती जाती है। नेक्स्ट, फिर उन्हें रिमूव करना भी मुश्किल होता है। दे आर फ्रेश वाटर प्लांट्स, कौन से अभी जो एग्जाम्पल दिए वो नहीं, वो तो क्या है, वो फ्रेश वाटर में नहीं उग रहे हैं, वो तो ऐसे प्लांट्स हैं जो किसमें उग रहे हैं, ड्राइड पॉन्ड, ओके, सूखे सूखे ताल पोखरों में उगने वाले। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेश वाटर प्लांट्स वो होते हैं जो रिवर, लेक या पॉइंट में उगते हैं, क्योंकि इनका पानी कभी रुकता नहीं है, बहता रहता है, इसीलिए फ्रेश वाटर रहता है। सम में ग्रो ओनली इन सी, कुछ सिर्फ समुद्रों में उगते हैं जो साल्ट वाटर के क्या होते हैं, अडेप्टेड। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एनिमल्स हों जो पानी के अंदर रहते हैं, समुद्रों में, सीज में, इतनी गहराई में, उन तक तो प्लांट्स पहुंच ही नहीं रहे हैं, ट्रीज नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो सांस कैसे लेते हैं। एक्चुअली पानी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्लांट्स या ट्रीज, ट्रीज तो नहीं कह सकते लेकिन प्लांट्स जरूर कह सकते हैं, जो अंडरग्राउंड उगते हैं, ठीक है, साल्ट वाटर के अंदर, क्योंकि वो अडेप्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग। तो दे आर नोन एज मरीन प्लांट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, मरीन प्लांट्स कहते हैं, यानी समुद्री पौधे। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, एक्वेटिक प्लांट्स में भी अभी कई काइंड्स हैं। एक जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे आपने डकवीड देखा है, वाटर हाइसेंथ देखा है, ठीक है, इसकी रूट्स क्या होती हैं इन प्लांट्स की, दी रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर नॉट फिक्स टू द मड ऑफ द पॉन्ड, ये उस तालाब के मड यानी कीचड़ से इनकी जो रूट्स होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, इसीलिए ऊपर तैरते रहते हैं, वो तैरती रहती हैं इनकी जड़ें, मैंने बताया था इनकी जड़ें पानी के अंदर तैरती रहती हैं, शुरू में भी बताया मैंने आपको पार्ट वन ऑफ द वीडियो। दे हैव लाइट एंड स्पंजी स्टेम, इनकी हल्की हल्की और स्पंजी यानी गद्दे नुमा स्टेम होती है। एयर फिल्ड स्पेस, इसके अलावा इनकी स्टेम में हवा भरने लायक स्पेस होता है, इनके बीचों बीच देखना है एक छेद टाइप होता है जो हवा को अंदर तक खींच सके, जड़ों तक। एंड स्टेम मेक देम लाइट, जिससे वो क्या कर देती हैं, हल्की हो जाती हैं। आप देखना बॉटल है या प्लास्टिक की, उसके अंदर वजन नहीं होता है, आप चाहे उसे बिना ढक्कन लगाए पानी में फेंक देना या ढक्कन लगा के फेंक देना, तब भी तैरेगी जब तक उसके अंदर पूरी तरह से पानी नहीं भरकर वो कैसी ना हो जाए, भारी ना हो जाए। तो इसका रीज़न क्या है, उसके अंदर एयर फिल करना। तो ऐसे इन प्लांट्स के अंदर भी जो बीच का हिस्सा होता है, सेंटर पोर्शन होता है, उनमें एक लंबी सी पाइप होती है, इसके लिए जगह खुली रहती है, तो इसलिए वो लाइट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पानी आता जाता रहता है। द लाइट स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर, जो ये लाइट स्टेम होती है हल्की सी, ये पानी के ऊपर उस प्लांट को फ्लोट करने में मदद करती है। लाइक वाइज वाटर हायसिंथ एंड डक वीड आर फ्लोटिंग प्लांट, तो इसके कुछ एग्जाम्पल वाटर हायसिंथ और डक वीड हैं, आप देख सकते हो उसे। डक वीड क्यों कहा है इसे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन वैसी डक की तरह ही बना लेता है अपने शरीर की, और ऊपर से पानी के ऊपर तैरता है लाइक ए डक। नेक्स्ट, इनकी पत्तियां आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी है, इसकी डकवीड की तो ऐसी आती है ऐसे एक प्लेट हो ग्रीन कलर की, कुछ मूवीज़ में आपने देखी हो, तो ये जो डकवीड है इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल एक प्लेट की तरह आती हैं। नेक्स्ट, वाटर लिली को आप देख सकते हैं, इसकी जो नॉर्मल ही एक पत्ती होती है एक तरफ की, वो इतनी मोटी होती है कि जगह जगह पूरे पौंड को घेर लेती है, और अंदर तक सनलाइट नहीं पहुँच पाने के कारण जो पौंड के अंदर जितने भी जानवर या फिर ट्रीज सॉरी प्लांट्स होते हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंचने की वजह से उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से एडवांटेजेस भी हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते हैं, और साथ साथ ये गंदगी भी फैलाते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो से रोक देंगे सूरज की रोशनी को, तो पानी शुद्ध नहीं रह पाएगा, चल नहीं पा रहे, एक तो तालाब वैसी है वो। नेक्स्ट, फिक्स प्लांट्स क्या होते हैं, दीज प्लांट्स हैव ब्रॉड एंड वैक्सी कोटेड लीव्स, मीन्स इनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड चौड़ी होती हैं और वैक्सी कोटेड यानी कि उनके ऊपर क्या लगा रहता है, मोम की एक तरीके से सरफेस लेयर लगी रहती है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रॉटिंग, जो उन्हें रॉटिंग यानी सड़ने से रोकती है। दे हैव लॉन्ग, इनके लंबे हॉलो स्टेम यानी जो खोखली स्टेम होती हैं उनके पास होती हैं टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, जिससे पानी की सतह तक पहुँच सकें। सो ये इनका रास्ता जिससे कि अडेप्टेड हैं ये फिक्स्ड प्लांट्स, तो आप समझ गए होंगे, जो पानी में डटे रहते हैं। दीज प्लांट्स सॉरी देयर रूट्स आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड,
आप देख सकते हैं कि जो उनके रूट्स हैं ये पॉन्ड के तले तक, ठीक है, उस तालाब के तले तक अटैच्ड रहते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स्ड प्लांट, जो लोटस और वाटर लिली हैं ये फिक्स प्लांट हैं, इनके रूट्स हैं ये पॉन्ड की बॉटम तक अटैच्ड रहती हैं, मतलब ऐसे तो तैरेंगी इसकी भी बाकियों की तरह, लेकिन इसकी नीचे ज़मीन तक पहुँचती है। अंडर वाटर प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसा नेम से पता चल रहा है आपको, जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर होती है उसे हम अंडर कहते हैं ना, कुछ भी हो, अंडरग्राउंड वाटर कह लो, अंडर वाटर कह लो। तो अंडर वाटर प्लांट्स क्या हैं, वो प्लांट्स जो अंडर वाटर हैं, मीन्स पानी के अंदर उगते हैं, जैसे समुद्रों में भी मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल दिया था। तो अंडर वाटर प्लांट्स आर रूटेड टू द वाटर फ्लोर, ये पानी के फ्लोर तक इन रूटेड होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देयर वेजिटेशन इज अंडर वाटर, और इनके ज़्यादातर वेजिटेशन पानी के अंदर के हिस्से तक की जाती है। कई इलाकों में आप देख सकते हैं कि ऐसा किया जाता है कि आप पानी की कमी हो, जहाँ पानी है वहाँ चले जाओ, अपनी अपनी फसल को वहाँ तक बो दो, जिससे क्या हो सके कि इनकी जो रूट्स हैं ये वाटर के फ्लोर तक पहुँच जाएँ और ज़्यादातर इनसे वेजिटेशन हो सके अंडर वाटर। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पत्तियों की जो सॉरी इन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं ये थिन यानी पतली एंड नैरो, थोड़ी सिकुड़ी सी संकुची होती हैं। एग्जाम्पल क्या है अंडर वाटर प्लांट्स के, हाइड्रिला ग्रास, टेप ग्रास एंड पॉन्डवीड, आप इसमें देख सकते हैं हाइड्रिला दिया है या टेप ग्रास दिया, आप इसे देख सकते हैं। ये आपको ज़्यादातर मैरिज होम्स में मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं उगी हुई दिख जाएंगी आपको, फार्म्स में मिल जाएंगी, फील्ड्स में मिल जाएंगी। पॉन्डवीड क्या है, इसे आपने देखा होगा कि पोखरों के ऊपर पूरा कब्जा कर ले, ढक देते हैं इसे, ये पॉन्ड वीड है जो तालाब के ऊपर उगती हैं। वीड क्या होते हैं, वीड ऐसे पेड़ होते हैं जो किसी के काम नहीं आते, ना इन्हें कोई खाता है, बेकार है, जानवर भी नहीं खाते हैं इन्हें, हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, जो बेकार है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या हैं, एक्चुअली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं नेचर में, अपने एनिमल्स के टाइप पड़े ना, हर्बीवोरस जो प्लांट्स एंड ट्रीज के पार्ट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल के फ्लैश पे खुद को क्या रखते हैं, सर्वाइव कराते हैं। ऐसे आपने ओमनीवोरस पढ़ा था जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी, जैसे हम ह्यूमंस लोग। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट, प्लांट के अंदर भी एक ऐसी प्रजाति है जो कार्निवोरस से मिलती जुलती है, मींस ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनकी लीव्स जो होती हैं ये इस तरह से मॉडिफाइड होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनसे इंसेक्ट ही ट्रैप कर पाते हैं। मींस यस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में से बहुत सारे हैं, ड्रोसेरा, अमरबेल, ठीक है, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई, आप देख सकते हैं कि पत्तियाँ इस तरह से मॉडिफाइड है, देखिए कितनी खतरनाक लग रही हैं, डेंजरस इनकी पत्तियाँ पे एक दांत टाइप का लग रहा है, बीच बीच में आप ये रेड से लगा एक सब्सटेंस देख सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी क्या आती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्मेल सी आती है, ओके, एक टाइप की खुशबू। पिचर प्लांट क्या है, इसे हम बोलते हैं ये वीनस फ्लाई ट्रैप, इसकी हिंदी समझ लीजिए, वीनस तो इसका नेम है और फ्लाई ट्रैप का मतलब क्या है, फ्लाई कोई भी उड़ने वाली चीज़ जो है वो ट्रैप करने के लिए, जैसे यहाँ पर आकर अचानक से बैठ गई तो अपना मुंह बंद कर लेगा, उसके अंदर ही पड़ी रह जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, फिर ये रिलीज करते हैं अपने मुंह से एक केमिकल और उसे सड़ा सड़ा कर फिर उसके शरीर की सारी चीज़ों को चूस लेते हैं। अब पिचर प्लांट भी सेम है, ये अपना मुँह खुला रखता है, जैसे इसके अंदर कोई चीज़ आई तुरंत ही तुरंत वो लिड है जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके देता हूँ, ये आपको ऊपर लिड दिख रहा है, हर एक के ऊपर खुला हुआ है, इसके अंदर कोई फंस गया तो वो तुरंत बंद कर लेगा और उसके अंदर वो पड़ी रह जाएगी और खुलेगी नहीं। अब उसके अंदर अजीब सी गैस रिलीज होंगी, उसके पेट की वगैरह की सेल्स रिलीज करेंगे और उसे गला देंगे और अपने खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हम वापस अपने इस टॉपिक पे चलते हैं, लेट्स कम टू आवर प्रीवियस टॉपिक। तो जो इंसेक्टिवरस टाइप के जो जानवर होते हैं वो क्या हैं, वो सॉरी मतलब प्लांट्स हैं, देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट, इनकी लीव्स जो हैं वो इस तरह से मॉडिफाई हो गई हैं कि वो सिर्फ इंसेक्ट को ट्रैप कर सकती हैं। तो अपना खाना कैसे बनाएंगी, ये नहीं बना सकते, तभी तो इन्हें नेचर ने इस तरह का फॉर्म दिया कि ये अपने ट्रैप करके खाएं। तो द वीनस फ्लाई ट्रैप हैज लीव्स, इसकी ऐसी पत्तियां होती हैं दैट आर लाइक बॉक्सेस विद हिंजेस, तो इसकी बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे बॉक्स हैं जिनके हिंज लगे हुए हैं। हिंज क्या है, आपने दरवाज़ा देखा है, दरवाज़ा किससे जुड़ा होता है, कोने में आपके पास हिंज लगी होती हैं, हिंज, हिंज क्या होती हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक हल्का सा डायग्राम जल्दी से जल्दी समझाने के लिए। सी, ये आपका डोर है, ये चौखट से डुरा रहता है ना, एक चौखट होती है, तो यहाँ पर इसे कनेक्ट करने के लिए पीछे डोर के आप देखना तीन तीन ऐसे लगे रहते हैं, है ना, जैसे जोड़े रखते हैं, इसी के बल पे वो ओपन क्लोज
जैसे ये बुक है, बुक के भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जुड़ा है जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट टर्न हो पा रही है। तो इन्हें बोलते हैं जो बीच में लगे हुए हैं, इन्हें हिंज जॉइंट। ये इंसानों में भी पाए जाते हैं, आप अपने हाथों को मोड़ सकते हैं ना, तो क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके पास एक हिंज जॉइंट है जैसे डोर के पास होता है। ऐसे प्लांट में देखना है, इसका मुंह खुला है, जो निचला हिस्सा दिख रहा है ये यहाँ पे, जैसे मैं अभी आपको पेन चला के दिखा रहा हूँ, जो लाइट था मैं इसे थोड़ा सा डार्क करके दिखाता हूँ आपको, कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, सी मैंने आपको ये डार्क कर दिया है, या हिंज लगा हुआ है जिससे अपना मुंह क्या करता है, ऐसे खोलता है बंद कर देता है। जैसे कोई आई, मान लीजिए पेन आया इसके मुंह में, अचानक से गिरा, अचानक से बंद कर लेगा और ट्रैप कर लेगा, तो इसके जो दांत हैं वो इसे क्या कर लेते हैं, ट्रैप। नेक्स्ट, तो इसके बॉक्सेस हिंज हैं, दे हैव लॉन्ग हेयर, इनके लंबे बाल होते हैं, अलॉन्ग द एजेस, किनारे किनारे पर इनके बाल से लटके रहते हैं, जो इन्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं, एजेस यानी किनारे। व्हेन एन इंसेक्ट टच द हेयर, जब इनमें से कोई इनके जो हेयर से आप दिख रहे हैं ना, ये दांत टाइप के हेयर इसी से कहा गया लटक रहे हैं, जब कोई इंसेक्ट इनसे टच करता है क्या होता है, द लीफ स्नैप शट, लीफ तुरंत ही तुरंत ऐसे शट कर लेती है, जैसे आप मच्छर मारते हैं ना अगर हाथ में आ गए तो ऐसे शट कर लेती है। नेक्स्ट, ट्रैपिंग द क्रीचर इनसाइड, उसके अंदर वो